का बजट जो पेश किया गया है वो चंडीगढ़ की जनता के लिए पेश किया गया है, जो कि हमने पहले ही उसमें नोटिस जारी कर दिया था कि हमें आज बजट पेश करना है। और जिस तरह से मुझे पता लगा है कि जो बीजेपी है उसे निराधार बता रही है, ये निराधार नहीं है। चंडीगढ़ के विकास कार्य को लेके मीटिंग बुलाई गई थी और चंडीगढ़ के बेहतरी के लिए विकास कार्य करने के लिए आज बजट पेश किया गया है। आज जो बजट हमने पेश किया है इसमें कुछ चीजें ऐसी थी, जैसे स्ट्रे डॉग को लेके हमने, हमारा बहुत कम बजट था उसे बढ़ाया गया है, गांव कॉलोनियों का बहुत कम बजट था उनकी विकास कार्यों की गति रोकी गई थी उसे बढ़ाया गया है, पानी का जो था हमारा पीने के पानी का उसको बढ़ाया गया है, टीटी वाटर को जो लाइन बिछानी है उसके लिए किया गया है, बहुत से कई ऐसी चीजें हैं जो मतलब जिनमें हमने इंक्रीज की है जो कि बहुत कम रखा गया था। एरिया ही डंपिंग ग्राउंड के पास पड़ता है, तो आप वहां पे सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए ना, डंपिंग ग्राउंड के पास मेरे एरिया के मेरा घर है जी, मेरा ये क्या घर है मेरा वहाँ पर बहुत ज्यादा। और डंपिंग ग्राउंड का मैं जब चुन के आया था इस हाउस के अंदर एज ए काउंसलर, तब से ही मेरा प्रयास रहा है कि डंपिंग ग्राउंड को मैं खत्म करूंगा, और आज करीबन वो 70% खत्म भी हो चुका है। जिस तरह से मैंने हाउस में अपनी आवाज रखी, गवर्नर साहब से मीटिंग की है, तो उस हिसाब से आज 70% खत्म हो चुका है, 30% अपने कार्यकाल में खत्म कर दूंगा। करीबन 1200 करोड़। भाजपा बार बार कह रही है देखिए, बीजेपी का जो है, बीजेपी जो करे वो लोकतंत्र, जो हम करे वो अलोकतंत्र ना। जैसे उन्होंने 30 तारीख को लोकतंत्र की हत्या की, वो संवैधानिक, जो हम माननीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय से चुनकर आ गए वो असंवैधानिक, तो उनकी तो मैं बात ही क्या करूं। और हमने निष्पक्ष चुनाव कराया वो भी हम उन्हें वो नहीं लगता कि वो सही था, है ना। अब जो हमने बजट पेश किया उन्हें ये लगता है ये भी सही नहीं है, FNCC पहले होनी चाहिए। पिछले दो साल मैडम सरबजीत कौर जी और हमारे अनूप गुप्ता जी ने जब बजट पेश किया, क्या उनसे पूछा गया कि आपके काल में जो FNCC थी उस टाइम आपने FNCC में लेके गए, वो एक बार भी FNCC में ले गए? ये सभी रूल क्या हमारे लिए बनाए गए हैं? और जो हमारे एक्सीडेंटल, मैं कहूंगा जो हमारे मनोज सोनकर जी थे, वो भी मेयर जब बने, क्या उन्होंने FNCC बनाई थी जो उन्होंने 7 तारीख को बजट पेश करने की रख दी थी तारीख? तो मैडम ये सारे जो रूल हैं हमारे ऊपर लागू होते हैं, इनके बड़े बड़े वकील हैं जो रूल हमारे ऊपर लागू करते हैं, जनता की हित में कभी भी नहीं बात नहीं करेंगे और हमेशा लोकतंत्र का गड़ा घोटने में लगे रहते हैं। आज आप देखिए ना कि बहुत कम समय रह गया आचार संहिता लंघने को, उस समय में भी ये लोगों के हितों की बात ना करके आज ये वो कर रहे हैं कि हम किस तरह से जीने रोक का जाए कि बजट ना पेश हो सके। अगर मैडम ये सोचिए कि अगर बजट पेश ना हुआ तो चंडीगढ़ के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी कहाँ से जाएगी और चंडीगढ़ के विकास कार्य कैसे होंगे, चंडीगढ़ का तो पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा ना। उन्हें आज उस चीज से भी कोई लेना देना नहीं, उन्हें लेना देना क्या है कि हम किस तरह से इन्हें नीचा दिखा सकें। लेकिन जो इंडिया अलायंस है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, हमारा हमेशा से ही एक मोटिव रहा है कि हम चंडीगढ़ की जनता को एक अच्छा प्रतिनिधित्व दे सकें, एक अच्छा साफ वातावरण दे सकें, एक अच्छी डुमलाइज दे सकें, मतलब लोगों को बता सकें कि हम कार्य करें, हम जो राज करने नहीं आए आप लोगों की सेवा करने हैं। और आज की जो मीटिंग है वो सेवा भाव से की गई। सर, एक और कि एम्प्लॉयमेंट फंड के लिए आप लोग चर्चा शुरू हुई थी, मीटिंग शुरू हुई थी, तो एम्प्लॉय फंड के लिए भी बात की गई है कि जहाँ 90 लाख उसे बढ़ाया जाएगा, तो वो किस तरह बढ़ाया जाएगा और कितना बढ़ाया जाएगा? देखिए मैम, वाकई में वो 90 लाख जो था, मैं बताना चाहूंगा कि मैं सोचा थोड़ा 90 लाख बिल्कुल सही होगा, लेकिन जैसे भाई गुरप्रीत सिंह गापी ने बताया उसे हम और बढ़ाएंगे, और जहां तक मुझे लगता है कि हम उसे करोड़ रुपए में लेके जाएंगे, या 2 करोड़ या 3 करोड़ तक मैं लेके जाऊंगा कि वेलफेयर फंड है इतना होना चाहिए।